हेलो फ्रेंड्स, आज हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस किससे होती है? जनरली ये जो कलर ब्लाइंडनेस हमारी डिजीज है वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि ये जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक्स एक्स लिंक जीन का एग्जांपल है, एक्स लिंक रिसेसिव करेक्टर का एक एग्जांपल है। तो आइए जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट इट इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट डिजीज विच इज कॉस्ड ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई एंड अ पर्सन इज फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। अब इसको हम थियोरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अगर म्यूटेशन होगा हमारा, म्यूटेशन ऑफ जीन, म्यूटेशन मतलब चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए में कोई चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन इन जीन अगर हो गया, चेंज हो गया रेड कॉर्न सेल में, तो क्या कौन सी डिजीज होगी? रेड कलर ब्लाइंडनेस होगा। और इस डिजीज को क्या कहेंगे? ऑल्सो नोन एज प्रोटोनोपिया। अगर म्यूटेशन हमारी हो जाए जीन ऑफ ग्रीन कॉर्न सेल, तो कहेंगे ड्यूट्रोनोपिया। अगर दोनों में हो जाए रेड और ग्रीन में, तो कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेल्टोनिज्म। चलिए आइए अब कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले पहले हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। एक्स एक्स अगर हो है हमारा तो वो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं, और जो आप एक्स के ऊपर सी देख रहे हैं मतलब उसका मतलब है कैरियर। एक्स सी एक्स है तो मतलब है कैरियर फीमेल है। अगर एक्स सी है, दोनों ऊपर एक्स की पार में सी सी है, तो मतलब दोनों क्या कहते हैं, दोनों सी हैं, तो इसका मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस है, फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है। अगर एक्स वाई होगा तो नॉर्मल मेल है, अगर एक्स के ऊपर सी होगा तो मतलब मेल हमारा कलर ब्लाइंडनेस है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ कलर ब्लाइंडनेस मैन इज मैरीज विद अ नॉर्मल फीमेल, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड सन इन देयर ऑफ स्प्रिंग। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। लिखा है जब व्हेन अ कलर ब्लाइंड मैन, मतलब अभी हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंड को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एक्स की पार सी और वाई। तो हम पहले लिख लेते हैं एक्स की पार सी और वाई इज मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल मतलब एक्स एक्स। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कलर ब्लाइंड सन कितने आएंगे ऑफ स्प्रिंग में। तो चलिए इनकी सेल्फिंग करा देते हैं ऐसे। एक्स सी वाई ये मेल है, इनको ऊपर ले लिया, फीमेल को नीचे लिया हमने। एक्स 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 सी एक्स वाई एक्स एक्स सी एक्स वाई। पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर ऑफ स्प्रिंग कितना परसेंट होगा। यू कैन गेस 0%। क्यों 0%? क्योंकि ये देखिए एक्स एक और एक्स के ऊपर सी मतलब कैरियर है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं। अगर दोनों इसके ऊपर सी आते तो हम कह सकते थे कि ये क्या कहते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस है।
और बाकी तो दो नॉर्मल मेल बन रहे हैं, इसलिए 0% प्रोबेबिलिटी होगी कि कलर ब्लाइंडनेस उनके ऑफस्प्रिंग में आए। डेट्स ऑल अबाउट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं और फर्दर अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।